सो गाइस फाइनली आप लोग इधर देख सकते हो मैंने पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन को 2.2 के अपडेट के अंदर अपडेट कर दिया। एंड अभी की इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन को 2.2 में अपडेट करने के बाद खेलने वाले हो तो कैसे आप लोग डाउनलोड करके खेल सकते हो, और पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप लोग किसी भी तरह का कोई भी एरर ना आए और आप सभी लोग एक बार प्रोसेस को करने के बाद दोबारा बिना किसी वीपीएन के आप लोग इस गेम को आराम से खेल सकते हो। तो बीजीएमआई के अंदर तो अपडेट आएगा नहीं, तो भाई जितने भी लोग नए नए फीचर्स को देखने वाले हैं, नए नए मैप को खेलने वाले हैं, तो वो इसी तरह से खेल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं PUBG मोबाइल कोरियन वर्जन का बताता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग को PUBG मोबाइल का बताऊंगा। तो सबसे पहले कोरियन वर्जन को अपडेट करने के लिए आप लोग क्रोम पर जाकर के अप टू डाउन सर्च करना है, पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, आप लोग को ये वेबसाइट दिखेगी, सर्च बार का जो आइकन है वहां पर क्लिक करना है, यहां पर आप लोग को सिंपली टाइप करना है पबजी केआर। जैसे आप लोग इतना लिखोगे उसके बाद आप लोग को पहले लिंक पर क्लिक करना है, और इधर आप लोग देख सकते हो यहां पर आप लोग क्लियरली नजर आ रहा होगा 2.2 अपडेट इधर आ चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग को लेटेस्ट वर्जन वाले जो नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर से वहां पर आप लोग क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करोगे गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक XAPK डाउनलोड होगा। अब ये XAPK क्या है अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप लोग डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का एक लिंक बना हुआ आ जाएगा, एंड यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड का बटन आ जाएगा। तो मेरे को डाउनलोड अगेन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल करूंगा। बाकी अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो ऐसे में आप लोग को कुछ इस तरह का एक ऊपर की तरफ देख सकते हो इस तरह से एक जो आप लोग की फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को पूछेगा ओपन विथ, तो आप लोग जेड अचीवर नाम की एक ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, मोस्टली सभी लोगों के फोन में होगी। तो आप लोग जेड अचीवर में जैसे इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आप लोग को एपीके को इंस्टॉल करना है। तो यहां पर जो एपीके नजर आ रहा है इस पर सिंपली इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करके इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोग को एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाना है, ओबीबी में जाना है, फिर ये जो com.pubgmobile जो ये पूरा फोल्डर है इसको आप लोग को सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोग को ऊपर की तरफ क्लिक करना है और आप लोग को डिवाइस मेमोरी में जाना है। यहां जाने के बाद आप लोग को सिंपली एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है। जब आप लोग यहां पर जाओगे जहां पर गुड्डा बना इस वाले फोल्डर में जाना, उसके बाद ओबीबी में जाना, उसके बाद आप लोगों को इसको यहीं पर पेस्ट कर देना है जो फोल्डर हमने वहां से कॉपी करा था। इतना सा प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को एक लास्ट प्रोसेस और करना है, वो ये कि आप लोग कोई भी एक वीपीएन ऐप डाउनलोड करनी है। यहां पर मैं पांडा वीपीएन यूज कर रहा हूं, उसको आप लोगों को मतलब पांडा वीपीएन को किसी भी एक कंट्री कोरिया या फिर आप लोग जापान किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। और यहां पर हम कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा कोरियन वर्जन है वो कोरिया और जापान के लिए ही अवेलेबल है। तो यहीं पर आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ बतानी है कि हाँ भाई हम उसी कंट्री से हैं ताकि हमको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो पांडा वीपीएन पे दोनों सर्वर आप लोगों को मिल जाते हैं, कुछ आप लोगों को पेड मिलते हैं, जो आप लोगों को फ्री वाले मिलते हैं उनसे आप लोग कनेक्ट हो जाना। एक दो ऐड आप लोग जैसे देखोगे तो आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जैसे आप लोग का वीपीएन कनेक्ट होता है, अब यहाँ पर हमने एपीके को इंस्टॉल कर दिया, ओबीबी को भी सेट कर दिया, और लास्ट में हमारी जो आईडी बनेगी उसके लिए भी हम लोगों ने वीपीएन लगा दिया है। अब सिंपली आप लोग अपने गेम को ओपन करना है, जो भी हमने एपीके इंस्टॉल करा था उसको आप लोगों को सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद इन गेम कुछ आप लोगों से रिसोर्स वगैरह डाउनलोड होंगे, फिर हमारे जो रिसोर्स हैं वो कंपाइल होंगे, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों का टाइम जाएगा। जैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद में आप लोग एक न्यू आईडी या फिर न्यू अकाउंट बन जाएगा पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन पे, या फिर अगर आप लोगों का कोई भी पुराना अकाउंट है आप लोग उसको भी यहां पर ओपन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि नया अकाउंट ही आप लोगों को बनाना है, अगर आप लोगों का पुराना पास्ट में कोई भी अकाउंट है तो आप लोग उसको भी लॉग इन करके यहां पर खेल सकते हो। तो फाइनली आप लोग इधर देख सकते हो सारे प्रोसेस मैंने स्किप कर दिए थे बीच के क्योंकि वो चीज बोरिंग हो जाती। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो सारे इवेंट वगैरह हमें शो हो रहे हैं अच्छे से। इसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हो अगर मैं आप लोग को मैप सिलेक्शन के अंदर में लेकर के चलूं तो यहां पर हमारे जितने भी नए नए मैप है यानी कि नूसा मैप है वो आ चुका है, और बाकी अनरैंक में से कुछ मैप को हटा दिया गया है। बाकी आप लोग इधर नूसा मैप तो देखने को मिल ही जाएगा जो कि 17 घंटे बाद अनलॉक होगा। तो ये थी पूरी वीडियो, कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी वीडियो को लाइक।